हेलो माय डियर फ्रेंड्स और साथ ही पेरेंट्स, देखिए आज का वीडियो बड़ा काम का है भाई। जेई मेन का सेशन अब ऑलमोस्ट सेशन 4 भी एंडिंग पे है और रिजल्ट अब आएगा थोड़े दिनों के अंदर, तो उसके बाद अपनी दौड़ शुरू होगी। देखिए जो आईआईटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बढ़िया स्कोर करेंगे, उनके लिए तो आईआईटी की तैयारी करनी है। बट बाकी लोगों के लिए जहाँ एनआईटीज भी थोड़ी मुश्किल हो, या एनआईटीज के साथ साथ भी और कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं और जेई मेन स्कोर के थ्रू एडमिशन देते हैं, बट उनके फॉर्म आपको अलग से भरने पड़ते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स उनके बारे में बताऊंगा। देखिए यही सेम वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन अभी आपको नजर आ रहा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां भी मैंने और डिटेलिंग की है। इस साल क्या नया है, क्या डेट्स नहीं है, वो इस वीडियो में आपको दिखेगी। बाकी आप नॉलेज लास्ट ईयर वाले वीडियो से भी ले सकते हैं, इट इज़ मोर और लेस द सेम। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ 6 कॉलेजेस कवर किए हैं। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मेन स्कोर लेते हैं, बट मैंने यहाँ वो कॉलेजेस लिए हैं जहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी गए हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, दे आर एट पार विद द एनआईटीज एंड अदर गुड कॉलेजेस। देखिए इनमें सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है IIIT हैदराबाद, जो आपको पता है कि आज के तारीख में किसी भी आईआईटी के सीएसई डिपार्टमेंट से कंपेरेबल इवन बेटर भी बोला जाता है। फिर IIIT बैंगलोर, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बट एक ही इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ जो कोर्स है दैट इज़ अ 5-year 1, इट्स एन IIM Tech कोर्स। देन JEE दिल्ली, ये काउंसलिंग प्रोसीजर होता है दिल्ली बेस्ड 4 कॉलेजेस का, DTU, NSUT, NSIT, जो भी आप बोलें से, IIIT दिल्ली एंड इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इट इज IGTDUW। ये थोड़ा सा नेम में मेरे से लिखते हुए गड़बड़ हो गई है। एंड देन DAIICT, LNMIIT एंड निरमा यूनिवर्सिटी। तो आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए IIIT हैदराबाद, मतलब इस कॉलेज के बारे जितनी तारीफ की जाए कम है। मेन बात यहाँ ध्यान दीजिए, 5 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा क्या देखना है। टोटल CSE की 100 सीटें हैं, जिसमें 75 सबके लिए हैं, 25 रिजर्व फॉर गर्ल्स। लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो लगभग 900 हज़ार भी नहीं था, 900 से 1000 रैंक के बीच में CSE जनरल स्टूडेंट्स को मिली थी, जनरली होते हैं कह रहे हैं बॉयज़ को, और गर्ल्स के लिए लगभग 1500 रैंक। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लगभग 3000 रैंक पे 3300 रैंक तक गई थी, और गर्ल्स के लिए 3900 रैंक तक गई थी। तो ये लगभग आपके लिए 120 एंड 40 160 सीट्स आपके लिए टोटल निकलती हैं CSE और ECE के लिए। इधर आप जा रहे हैं तो यू हैव डन वेरी वेरी वेल। देन IIIT बैंगलोर, इनका फॉर्म 6 सितंबर से शुरू होगा, 4 अक्टूबर तक आपको भरना है। इनके लिए देखिए इनकी वेबसाइट से ये डेटा मैंने लिया है। 2020 के अंदर NTA रैंकिंग 7300 तक CSE मिली थी और 9000 रैंकिंग तक ECE मिली थी। 2019 में 8718 तक CSE थी, 10972 ECE थी। इसका मतलब कट ऑफ्स हायर जा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि इट्स ए गुड कॉलेज। फिर JEE दिल्ली के लिए कट ऑफ्स वगैरह का आइडिया आपको लास्ट ईयर के वीडियो से भी मिलेगा। प्लस आप देख सकते हैं कि CSE जो है मेरे हिसाब से आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए DTU के अंदर 3-3.5 हज़ार के बाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो आप और डिटेल चेक करेंगे अपन जब इसका प्रोसीजर शुरू होगा। अभी कोई डेट्स नहीं आई है, जब आई हैं तब इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। DAIICT एक और बहुत ही प्यारा कॉलेज, गांधीनगर में सिचुएटेड है, ऑल इंडिया कोटा में 152 सीट्स है, 92 सीट्स ICT इन BBTech में है, 42 सीट्स विथ ऑनर्स विथ माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस, और इस साल 18 सीट्स आ रही है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन्होंने शुरू किया है। इसकी लास्ट डेट इन्होंने एक्सटेंड करके अभी 15 सितंबर की है। इसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं। LNMIIT इसके डिटेल वीडियो में पहले भी आपको बना चुका हूँ, इसकी डेट अभी बढ़ा के 10 सितंबर कर दी है, और डिटेल्स इसके वीडियो में देखिए जिनको इस कॉलेज के अंदर जाने की इच्छा है। तो ये 5 कॉलेजेस एंड 6th वन दैट इज़ द निरमा यूनिवर्सिटी, ट्रेडिशनली बहुत फेमस कॉलेज है। MBA तो इनका बहुत रिकग्नाइज है ही, BTech भी इनका अच्छा कॉलेज माना जाता है, स्पेशली CSE वगैरह अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। टिपिकली 20 हज़ार से 60 हज़ार रैंक्स के बीच में इनकी सारी ब्रांचेस 60-70 हज़ार रैंक तक जाती थी। लेटेस्ट एग्जैक्ट कट ऑफ्स का डेटा मेरे को नहीं मिल पाया है, आप में से किसी के पास हो तो शेयर कीजिए। एग्जैक्ट शेड इनका अवेलेबल इनकी तरफ से भी ऑफिशियली नहीं है। 294 सीट्स ऑल इंडिया कोटे के अंदर हैं, जिसमें मैक्सिमम सीट CSE के अंदर हैं, तो इधर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ये भी इन्होंने बढ़ा दी है, एग्जैक्ट इसे 10 सितंबर है, आई नीड टू कंफर्म, बट अभी जो मेरे को याद है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 सितंबर। एक बार और आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिटेल दे दूंगा। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, मैंने एक टेंटेटिव आइडिया भी इस वीडियो में भी, और आप ओल्ड वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा कॉलेज किसके लिए है। ठीक है, सारे कॉलेजेस के फॉर्म आप नहीं भर सकते, बट ये कॉलेजेस टिपिकली उनके लिए हैं जिनकी रैंक आप मानिए JEE के अंदर JEE मेन में रैंक 1 से लेकर 60-70 हज़ार रैंक के बीच में ये कॉलेजेस मिलेंगे। जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हायर साइड पे है।
और फिर इसके अलावा जो बचते हैं उनके लिए फिर आप इंडिविजुअली बात कीजिए, आपके आसपास के कॉलेजेस देखिए, या कुछ कलिंगा टाइप के एग्जाम आपने दिए हैं या कॉमेट के दिए हैं, दैट वुड बी द बेटर ऑप्शंस। और इनके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।